पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार अंसारी व उनका परिवार काफी अहम माना जाता है। इन्हें सूबे का बाहुबली नेता कहा जाता है। दबंगई के मामले में इनका कोई सानी नहीं है। मऊ विधानसभा क्षेत्र से ये 5 बार विधायक का चुनाव जीते हैं। 2010 में इन्हें आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने का कारण बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था, लेकिन फिर बाद में उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया गया। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय कराया गया था, लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए राजी नहीं हुए। बाद में पार्टी का ये फैसला बदलता पड़ा। कुछ ही महीनों बाद मायावती ने अंसारी परिवार को BSP में शामिल कर लिया। जेल में होने के बावजूद मुख्तार का काफी प्रभाव माना जा रहा है। मुख्तार ने अपनी दबंगई के दम पर ठेकेदारी, खनन, शराब और रेलवे ठेकेदारी जैसे क्षेत्र में अपना कब्जा जमा रखा है। इस बार उनके भाई अफजाल्स अंसारी को बसपा ने टिकट दिया है। देखना होगा कि जेल में बंद मुख्तार यूपी चुनाव 2022 में किस तरह की भूमिका में नजर आते हैं। ऐसे भी इस समय यूपी की सियासी सरगर्माई इस समय सिर चढ़कर बोल रही है।